जी, अशोक सिंघल, ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, एक तरीके से जंग का मैदान ये बना हुआ है। जिन लोगों की आप जिनका जिक्र कर रहे हैं हाथों में डंडे और पत्थर लिए हुए हैं, वो लोग कौन है? सत्येन जैन आप बताइए, आप भी वहीं पर मौजूद है। अशोक मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्येन बताइए कि वो लोग कौन है जिन्होंने हाथों में पत्थर लिए हैं, डंडे लिए हैं, क्योंकि जो लोग वहां से चले थे पंजाब की तरफ से, उनके साथ साथ तो आप भी थे। देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इस तरह का मोब होता है, हजारों की भीड़ होती है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आप पहचान नहीं सकते हैं। और देखिए, अब जब पथराव थोड़ा सा थमा है यहाँ पर, और आंसू गैस का धुआं अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आने लगा है, पुलिस को लगातार कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें, पुलिस और ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो तादाद है वो भी हजारों की संख्या में है। और पहले ये सिर्फ पंजाब के किसान थे, अब इनमें हरियाणा के किसान भी पानीपत से जो बाद में चलकर आए हैं, तकरीबन 3 से 4 हजार की ये तादाद है। और प्रेम सिंह चढ़ूनी जो हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के नेता है, वो आए और उन्होंने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर जैसे ही सभा को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही कुछ लोग पुलिस के साथ जाकर बहस करने लगे। बैरिकेडिंग पहली तोड़ी गई, उसके बाद जो दूसरी मेन बैरिकेडिंग थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जो कटीली तार लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टरों को ले आए और उन ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, और ट्रैक्टर वहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में फंसा दिया था। और उसके बाद दिल्ली में जो घुसने का उनका प्लान था वो था, और अब धीरे धीरे करके पुलिस एक बार फिर से उसी पोजीशन पर जा रही है जहां पहले खड़ी हुई थी। बैरिकेडिंग किस तरह की गई है ये भी मैं आपको तस्वीरों से बता रहा हूँ। सतीन यही तो बात है, यही जानकारी आप दे रहे हैं, बिल्कुल यही जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितनी किसानों के जत्थे हैं वो दिल्ली एंटर करना चाह रहे हैं। अगर ये खबर आई कि पुलिस साथ साथ रहेगी और किसानों को इजाजत मिल गई अंदर जाने की, क्या ये कन्वे ठीक से नहीं हुई? अगर हुई तो बावजूद इसके वहाँ पर पथराव क्यों शुरू हुआ? नवजोत, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रेम सिंह चढ़ूनी है गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आधे घंटे में सरकार के नुमाइंदों से हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमें दिल्ली में जाने की परमिशन मिल गई है। लेकिन किसान जब वो संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग आते हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बहस करते हैं और आते ही बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं, और उसके बाद अचानक पथराव शुरू कर दिया गया, ट्रैक्टर जो है बैरिकेड्स पर चढ़ा दिए गए, और उसके बाद पुलिस को ये तीन तरह की बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेडिंग सबसे पहले की गई थी जहां पर नोटिस चस्पाया गया था, जहां से अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके बाद सीमेंटेड पिलर्स की बैरिकेडिंग थी, और तीसरी बैरिकेडिंग यहां पर है। अब पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं इस तीसरी बैरिकेडिंग के पास पर आकर रुके हुए हैं, तो कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो उन्होंने सत्येन रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह तस्वीर है, एक तरीके से जंग का मैदान सिंघू बॉर्डर बना हुआ है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी